Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is your host Farhan Parvez and this is Rahil Shahzad. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का नाम है सूरत सिटी. तो और ये गुजरात में है. एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्हीं की बताए हुए लिंक से हमने वीडियो डाउनलोड करी और हम उस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं. लेकिन सूरत सिटी का नाम कभी सुना नहीं, कभी भी नहीं सुना मैंने. क्योंकि लेकिन ये सुना है कि गुजरात का बहुत फेमस सिटी है. हैं गुजरात का ही ना? नहीं कुछ, लेकिन फेमस सिटी है. फेमस हाँ, मैंने सुना है कि बहुत चर्चा में है ये आजकल. हैं हाँ सूरत सिटी, क्योंकि इस वजह से मुझे पता चला, क्योंकि बहुत सारों के कमेंट्स आए हुए थे यार सूरत सिटी पे करो, सूरत सिटी पे करो. और एक सिटी है उस पर भी मैं करूँगा, गिफ्ट सिटी. आई डोंट नो वो क्या है, उसके भी बहुत मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं. वो मैं देख रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसके ऊपर भी बहुत आ रहे थे. तो आज ये एक लिंक निकाली थी हमने सूरत सिटी की. अब इसके बारे में देखते हैं कहाँ पर है. आई डोंट नो, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ये गुजरात में नहीं हो कहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि मैंने कहीं पे कमेंट्स में पढ़ा था. नहीं गुजरात में ही है ये. गुजरात में ये सही निकला है तो अच्छा. मैं ये एक देख रहा था कि यार गुजरात के काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो हमने जिन पे रिएक्ट किया है, और वो काफ़ी हमें नहीं पता. धुलेरा शायद धुलेरा गुजरात का है, और अहमदाबाद शायद उसी का है शायद. हाँ गुजरात का है शायद, मुझे डाउटफुल हो रहा हूँ मैं. लेकिन हमने और भी गुजरात के और गुजरात भी सिटीज़ देखी. एक वो बिल्कुल साहिल के साथ जो है गुजरात के, उसका पता नहीं क्या था, वो पोर्ट भी बना रहे हैं वहाँ पे, वो मैं नाम भूल गया उसका. वो उस पर भी हमने रिएक्ट किया था. गुजरात के काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है यार. तो ये भी गुजरात का शहर है, और देखते हैं अब ये कैसा होगा. तो इस वीडियो का लिंक और टाइटल गाइस आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह. और अगर आपको ये वीडियो, हमारी वीडियो, हमारा रिएक्शन पसंद आए, तो इस हमारी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. तो चलें इस पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. देखते हैं ज़रा ये है क्या सूरत सिटी जिसकी इतनी ज़्यादा फरमाइश की जा रही है. आपको एक नए वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सूरत शहर को. गुजरात का ये शहर एक बिजनेस हब है. ऐसे तो गुजरात के ज्यादातर लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, और सूरत में ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं. चलिए जानते हैं गुजरात के ये शहर सूरत के बारे में कुछ अनोखी इंटरेस्टिंग बातें. लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे. सूरत पश्चिम भारत के तापी नदी के मुहाना पर बसा है. कहा जाता है 1516 में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इस शहर को बसाया था, जो पहले सूर्यापुर नाम से जाना जाता था. बाद में नाम चेंज करके सूर्यापुर से सूरत रखा गया है. सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक पोर्ट सिटी भी है. भारत में सूरत एक पहला शहर है जिसे स्मार्ट आईटी सेक्टर के रूप में चुना गया है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, सिटीनेक्स, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो जैसे सर्विस मौजूद होगा. दोस्तों डायमंड जो बहुत ही महंगी चीज है, और पूरी दुनिया में 90% हीरो की पॉलिश सूरत में ही होती है. इस वजह से इतना बड़ा अमाउंट है वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं. और इस वजह से सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है. सूरत में बिजनेस की वजह से दुनिया भर के बिजनेसमैन की यातायात सूरत में लगा रहता है. मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों एयरपोर्ट की 30-40% रेवेन्यू डायमंड एक्सपोर्ट से ही आते हैं. सिर्फ डायमंड की वजह से सूरत गुजरात का बिजनेस अब नहीं बना. डायमंड के साथ साथ यहाँ पे बड़े पैमानों में टेक्सटाइल की बिजनेस है, स्पेशली सिल्क. इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ मैन मेड फैब्रिक्स इन द कंट्री. यहाँ पे करीब 300 से भी ज्यादा कालर और प्रिंटिंग मिल्स है, जहाँ से सालाना 5 बिलियन रुपीज की टर्नओवर मिलता है. इंडिया में ज्यादातर फैब्रिक्स मटेरियल सूरत के होलसेलर मार्केट से ही आते हैं. इकोनॉमी से स्ट्रांग होने के कारण सूरत को गुजरात का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है. इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के लिस्ट में सूरत 9th पोजीशन पर है, जिसका GDP 59.8 बिलियन है. सूरत में 3-4 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई फ्लाईओवर मौजूद है, जिस वजह से सूरत को सिटी ऑफ ब्रिज नाम से भी परिचित है. सूरत में करीब 115 फ्लाईओवर मौजूद है. द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया गया सर्वे में टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी के लिस्ट में 4th पोजीशन हासिल किया है सूरत ने. और पिछले कुछ सालों में सूरत टॉप 5 पोजीशन पर अपना नाम दर्ज कराते आ रहा है. दोस्तों सूरत की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत अच्छा है. सूरत गांधीनगर से 284 किलोमीटर, अहमदाबाद से 265 किलोमीटर, और मुंबई से 289 किलोमीटर दूर पर बसा है. सूरत की जियोग्राफिकल सुविधा के वजह से बिजनेस करना काफी इजी है, और ज्यादातर बिजनेस यहाँ से ही स्टार्टअप करता है. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, सूरत की एवरेज हाउस होल्ड इनकम है 5 लाख, जो कि चाइना के हाउस होल्ड इनकम से भी ज्यादा है. पिछले कुछ सालों में सूरत की एनुअलाइज ग्रोथ रेट 11.5% रहा है. इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन में भी सूरत को शामिल किया गया, जहाँ पे शहर को स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जा रहा है. सूरत में हजीरा इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो कि अरेबियन सी कोस्ट पर बसा है,
और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कंपनीज शामिल है जैसे रिलायंस, ONGC, L&T, GSPC, इसमें और भी कई सारे नाम शामिल है। एनुअल सर्वे ऑफ सिटी सिस्टम सर्वे में बेस्ट सिटी इन इंडिया अवार्ड भी मिला है सूरत को। बिलीव इट और नॉट, इंडिया में सूरत में ही सबसे पहले CCTV इंस्टॉल किया गया था शहर के डिफरेंट एरिया पर। देयर आर मल्टीपल कैमराज ऑन ईच एंड एवरी रोड। दोस्तों क्या आपको पता है 2016 की सिटी मेयर फाउंडेशन की रिपोर्ट में सूरत को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के रूप में चुना गया है। सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ इंडिया का भी 8वां सबसे बड़ा शहर है। फूड, अच्छा। खाने में सूरत में कई तरह की स्वादिष्ट खाना मिलता है जिसमें लोचो, सूरती सेव खमानी, घरी, उंधियू, भाजिया, पंख भदास, नान घटाई, खामन ढोकला जैसे टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फूड यहाँ पे बहुत स्पेशल है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। एडुकेशन, सूरत में एडुकेशन परसेंटेज है 89%, जो कि नेशनल एवरेज ऑफ 79.8% से भी ज़्यादा है। सूरत को एक धार्मिक स्थल के रूप में भी माना जाता है, यहाँ पे कई सारे मंदिर मौजूद है। तो आपको गुजरात की बिजनेस आप और आर्थिक राजधानी शहर सूरत कैसे लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करो। अबे यार नहीं, सूरत सिटी तो हमें, भाई हमें नहीं पता था इस बारे में, इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, स्मार्ट सिटी में इसका नाम है। और क्या क्या फैक्ट है इसके के वर्ल्ड नहीं इंडिया का एट बिगेस्ट सिटी है, और फोर्थ जो है वो क्या है, फोर्थ या फिफ्थ इसमें ग्रोइंग सिटी है, इंडिया ग्रोइंग सिटी में फोर्थ नंबर पे है। ज्यादातर लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, गुजरात का ये वो है भाई, मतलब मेन है यार, यहाँ से काम फिर और जगहों पे जाते हैं, यहाँ ज्यादातर बिजनेसमैन रहते हैं। GDP के हिसाब से वो एक नंबर पर है जो इसकी ग्रोथ है, और लास्ट ईयर बता रहा है कि इसकी जो ग्रोथ थी वो 11% थी। बहुत बड़ी बात होती है। और भी एक दो थे कि 3 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कोई ना कोई ब्रिज, 4 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई ब्रिज आ जाता है, तो मतलब यहाँ पे ब्रिजेस का भी इसको सिटी बोला जाता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है वैसे, एक लॉजिकली सही बात है कि इंडिया में कोई 60 के करीब स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, और सूरत सिटी का नाम स्मार्ट सिटीज़ में ना आए तो ये तो नामुमकिन सी बात है। तो सूरत सिटी का नाम भी स्मार्ट सिटी में आ गया, ये भी अच्छी बात है। अब देखो इस पर काम हो रहा होगा, लेकिन यार हमने नाम ही नहीं सुना इसका, ये गुजरात ने अहमदाबाद पे कर लिया, रिएक्शन हमने धुलेरा पे कर लिया, हमें पता ही नहीं। इसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास कि आप इसको देखो, और बाकी में ये हमने नहीं देखा हुआ था। और अभी जैसे जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर इस बंदे ने बताया, ये तो ये बंदे की वीडियो बड़ी अच्छी होती है। ये सब कुछ बहुत अच्छे डिटेल से बताता है, तो मुझे पर्सनली इसका चैनल बड़ा पसंद है। और दूसरी बात ये कि इसने जो चीज़ें बताई हैं ना, हाँ। वो बड़ी यार बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, जो कि हमें तो पता ही नहीं था, हम जब ही तो शौक हो गया। सिटी सूरत, इसका नाम क्या था पहले, कुछ और नाम था जब ये किसी ने आबाद किया था, एक पता नहीं क्या एक बंदा था उसने आबाद किया था इसको 1600 कुछ में, तो तब से ये मैंने सुना था इस वीडियो के अंदर था। और ये कि उसका नाम पहले कुछ और था, सूर्य ऐसे ही कुछ नाम था आई थिंक, फिर उसका नाम करके सूरत कर दिया था शॉर्ट करके। अच्छा, तो ये अच्छा था ये। अच्छा तुम्हें याद है हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था इमर्जिंग इंडिया, हाँ। इमर्जिंग इंडिया वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, कौन सा था हमें नहीं पता, लेकिन हमने उस वीडियो में देखा था कि 90% ऑफ द डायमंड्स आर पॉलिश्ड इन इंडिया, इन इंडिया। सूरत सिटी का नहीं पता था हमें, हाँ। उसमें यह था कि इन इंडिया 90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड्स आर पॉलिश्ड एंड शेप्ड एंड कट, वाइट पॉलिश आई थिंक कुछ ऐसा ही था वो, हाँ। और उसके लिए मशहूर है। और आज हमें पता चला है कि वो जो 90% डायमंड है वो ये सूरत सिटी में होते हैं, इसीलिए इसको हीरो का शहर भी बोलते हैं, ये भी बोला था उसमें। हाँ यार ये तो काफ़ी एस्टोनिशिंग, हमें सारी चीज़ें पता चली, हमें पता ही नहीं थी यार। अजीब बात है यार, खासत की बात है, हमें पता, हम तो ये मुंबई और यही सुनते थे, मुंबई कलकत्ता यार, ये हम लोगों के दिमाग में यही बैठे हुए थे ना, 2-4 सिटीज ही थे हमारे पास, मुंबई था। अब यार इंडिया में मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया में 4000 सिटीज हैं। अब किस तरह, अब हमें कितना, अब तुम जरा ये सोचो, गुजरात एक सूबा है इनका ये, अब गुजरात जो है उसमें 4 शहर तो हमें पता है, एक तो ये धुलेरा हो गया जो बन रहा है, अहमदाबाद हो गया, सूरत सिटी हो गया, एक दो और हैं, तो हर 52 सूबे हैं, हर सूबे में 4 शहर हुए, इसका मतलब कितने हो गए, 100-200 तो यही हो गए, 8 सिटीज़ हैं फिर। और मेरे ख्याल से नोएडा शायद इसी में है गुजरात में, मैं थोड़ा मुझे याद नहीं,
नोएडा का हमने सिर्फ एरियल व्यू किया है, नोएडा की डिटेल्ड वीडियो पे हमने रिएक्शन नहीं किया, वो सिर्फ एरियल व्यू था। तो मेरे ख्याल से नोएडा भी इसी में है, लेकिन बहरहाल बड़ी बात है ये तो। हाँ, ये सूरत सिटी हमें अच्छा लगा यार, इसकी हम और किसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। और जो लोग सूरत सिटी से और ये वीडियो देख रहे हैं हाँ। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आजकल में इसकी क्या प्रोग्रेस है और किस तरीके हाँ, से और इस वीडियो में ऐसी क्या चीज है सूरत सिटी की जो इस वीडियो में नहीं बताई। कुछ जो हमें देखो हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। और क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग जो बोलते रहते हैं ना कि हमें तीन चार सिटीज ही पता है, कलकत्ता, न्यू दिल्ली और बॉम्बे और दो चार ही बैंगलोर और यही सब हमें पता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे शहर होते हैं जिसके नाम हमें नहीं पता होता है। और ये पाकिस्तान में भी ऐसा है कि कुछ शहर ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे जिनके अंदर वहाँ मेंटेन है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद इन चीज़ों को ही देखते हैं। लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसे शहर होते हैं जो नाम नहीं पता होता, जैसे कि आप लोकल्स को नहीं पता होगा कुछ, जैसे हैं यहाँ पर हाँ मुजफ्फराबाद है हाँ, सही है, सियालकोट है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी, बहुत अच्छे ये फेमस हैं, इनके हाँ, कल्चर बड़े अच्छे हैं। इसी तरीके से ये हमें नहीं पता था, तो इसी तरीके से हर जगह ये होते हैं। तो गाइस वीडियो तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगी और हम बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो गए, एकदम शॉक हो गए कि यार ये मतलब सूरत सिटी में नाम से समझ जाता कि होगा कुछ, लेकिन यार ये तो गुजरात का बहुत ज़्यादा बहुत मतलब एक आध फैक्ट नहीं है इस शहर के अंदर, अच्छे खासे फैक्ट्स हैं जिस वजह से ये इसको होना भी चाहिए इसको इंडिया की टॉप 10 के अंदर। तो गाइज वीडियो बहुत अच्छी थी, ये नीचे जो वीडियोज़ आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन वीडियोज़ पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें कमेंट सेक्शन में उसका लिंक और टाइटल दोनों दें, तो इंशाल्लाह हम आपकी बताई हुई वीडियो पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।